सीधे थाने पहुंचाने वाले व्हाट्सएप नियम का वायरल सच। क्या आपका व्हाट्सएप मैसेज आपको सीधे थाने पहुंचा सकता है? जी हां, देश के 20 करोड़ लोगों को चिंता में डाल रहे एक व्हाट्सएप मैसेज का सच जानिए। सोशल मीडिया की अफवाहों से परेशान देश को राहत देने के नाम पर एक बड़ा अजीब सा मैसेज वायरल है, जो ये दावा करता है कि व्हाट्सएप का हर मैसेज सरकार देख रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ पाया गया तो मैसेज थाने में और मैसेज वाला जेल में। लेकिन सच क्या है, आइए देखते हैं वायरल सच में। व्हाट्सएप मैसेज में डबल टिक और ब्लू टिक का मतलब क्या होता है, या आप जानते समझते हैं? लेकिन नीले निशान के साथ मौजूद इस लाल निशान को देखिए, जिसे मैसेज भेजने वाले के लिए खतरा बताकर पेश किया जा रहा है। व्हाट्सएप के नए फीचर के तौर पर पेश किए गए इस मैसेज में सिंगल टिक का मतलब बताया गया कि मैसेज भेज दिया गया। आगे डबल टिक का मतलब मैसेज पहुंच गया। लेकिन इससे आगे बढ़ने पर व्हाट्सएप के नए नियम का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यानी दो ब्लू टिक के साथ एक सिंगल टिक का मतलब बताया गया कि मैसेज जिसे भेजा गया था उसने पढ़ लिया, लेकिन सरकार ने नहीं। तीन ब्लू टिक का मतलब बताया गया कि आपके भेजे गए मैसेज को सरकार ने पढ़ लिया है और ये ठीक है। लेकिन आखिर में दो ब्लू टिक के साथ मौजूद एक लाल टिक का मतलब बताया गया कि आपने जो मैसेज भेजा था वो सरकार ने पढ़ लिया है, लेकिन वो ठीक नहीं है, यानी आपत्तिजनक है, इसलिए पुलिस जल्द ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। इमरान, दावे के मुताबिक अगर आपने अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी ग्रुप में कोई आपत्तिजनक मैसेज भेजा है तो आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है कि हर मैसेज की मॉनिटरिंग की जा रही है। लाल निशान आपको बताएगा कि आपने गलत मैसेज भेजा है, और व्हाट्सएप का यह नया नियम गलती करने पर आपको सीधा जेल भी पहुंचा सकता है। मनोज, एक मैसेज के जरिए ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार फेसबुक, ट्विटर, फोन कॉल्स और व्हाट्सएप हर चीज की निगरानी कर रही है। मैसेज के जरिए ये अपील की जा रही है कि राजनीति, मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी मैसेज या तस्वीर फॉरवर्ड न करें। दरअसल इस मैसेज को गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी थी कि वो अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए ठोस इंतजाम करे, और इस चेतावनी के बाद ये मैसेज वायरल होने लगा। लोग डरे हुए हैं इन संदेशों से और सच जानना चाहते हैं। इस मैसेज के सच का पता हमें दो चीजों से चल सकता था। पहला व्हाट्सएप प्रबंधन, दूसरा साइबर एक्सपर्ट। हमने व्हाट्सएप को मेल भेजकर उनसे पूछा, क्या जैसा वायरल मैसेज में दावा किया गया वैसा कोई नया नियम लेकर वो आने वाले हैं या आ चुके हैं? व्हाट्सएप ने हमें मेल पर बताया कि जैसे ही व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियोस, वायरल मैसेज, फाइल तय जगह तक पहुंच जाती है तो उसे व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट कर दिया जाता है। व्हाट्सएप उपभोक्ता के मैसेज उनकी अपनी डिवाइस पर स्टोर होते हैं। अगर एक मैसेज तुरंत डिलीवर नहीं होता तो व्हाट्सएप उसे अपने सर्वर पर 30 दिन तक रखता है और उसे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जब 30 दिन तक मैसेज डिलीवर नहीं होता तो व्हाट्सएप उसे डिलीट कर देता है। व्हाट्सएप ने हमें बताया कि 2 अप्रैल 2016 के बाद से वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की प्राइवेसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, यानी मैसेज जिसने भेजा और जिसको भेजा उसी के बीच रहेगा, थर्ड पार्टी उसे नहीं पढ़ पाएगी। यानी व्हाट्सएप बहुत साफ शब्दों में वायरल मैसेज को खारिज कर रहा था। इसके बाद हमने साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से पूछा, क्या भविष्य में व्हाट्सएप में ऐसा होना मुमकिन है? मुझे लगता है कि ये एक प्रकार की मिसचीवियस मैसेज है, और ऐसा कोई सेंसरशिप फिलहाल हमारे देश में बिल्कुल भी लागू नहीं है और ना इसकी कोई संभावना है, और ये संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 में हमको दिए गए हैं उसकी भी स्पिरिट के, उसकी भावना के विरुद्ध होगा अगर ऐसा कोई किया जाता है, और इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ये मिसचीवियस है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। साइबर एक्सपर्ट ने सही पकड़ा कि ये मैसेज किसी की शैतानी है, क्योंकि साल 2015 में एक अंग्रेजी वेबसाइट ने तंज कसते हुए एक लेख छापा था, लेकिन मजाक में पेश किए गए इस मैसेज को माहौल का फायदा उठाते हुए वायरल कर दिया गया, जिसका कोई आधार नहीं है। हमारी पड़ताल में व्हाट्सएप मैसेज के साथ दो नीले एक लाल निशान वाले संदेश का दावा झूठा साबित हुआ है। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।